गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो ये बताइए कि केमिस्ट्री की तैयारी कैसी चल रही है? नमन कुमार, आकृति शिवहरे, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन ठीक हो रही है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है किसी भी यूनिट में? कोई स्पेसिफिक अगर ऐसा है तो मुझे बताइए ताकि मैं उस पर भी लाइव आ सकूं। ऑर्गेनिक में मज़ा आ रहा है? फिर तो मज़ा आ गया सानिध्य, ये सुन के मुझे मज़ा आ गया। अगर किसी को मज़ा आने लग जाता है किसी भी पार्ट में केमिस्ट्री में, तो मुझे मज़ा आने लग जाता है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि वाओ, ये बच्चा बस आनंद में पहुंच गया। तो देखना, आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आया हूँ वो देखिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, हो जाएगी बच्चे? प्रशांत सर, स्वागत है आपका इस क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आप आए, बाहर आई, आपके लिए आपका स्वागत है। चलो देखना। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स गिवन इन बोल्ड लेटर्स। तो अब इसको समझिए। अब जैसे मुझे K4FeCN, पहले मुझे KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है बच्चों। आई एम सपोज टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, हर बार आएगा, आपका स्कूल कोई भी हो, हर बार ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये क्वेश्चन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने को। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखना मेरे साथ साथ सभी कैलकुलेट करना। K का होता है +1, K का होगा +1, ठीक है? K का +1 मैंने लिखा, Mn का मैंने एज्यूम कर लिया x, और O का -2, ठीक है? 4 से मल्टीप्लाई किया, और इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है, तो मैंने 0 लिख दिया। और यहाँ से कितना आ गया? +7 आ गया। किसी को ये बात समझ में नहीं आई हो तो ज़रा बताना, किसी को ये बात नहीं समझ में आई हो तो बताइए। लेकिन मैं अपने ट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ। अरे सर, क्या बात कर दी आपने! ये क्या कहते हैं, आपने मज़े ही दिला दिए मुझे। देखा बच्चों, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में? किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? इसी तरीके से देखिए, K4FeCN का होल सिक्स, देख रहे हो सब लोग? K4FeCN के होल सिक्स में किसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है? Fe का कैलकुलेट करना है, ठीक है? Fe का सब लोगों का स्वागत है। देखना, K का है +1, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई, Fe का x, Cn का -1 होता है बच्चे, और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा +2। यहाँ से क्या आ जाना है? +2 आ जाना है, ठीक है? यहाँ से +2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो कैलकुलेट करते रहिएगा। और देखो, HNO3 में कैलकुलेट करना हो, सपोज़ HNO3 में N का कैलकुलेट करना हो ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया? मैंने लिखा N का, H का +1 है, N का मैंने X लिखा, और 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 लिखा, तो ये कितना आ गया? इक्वल्स टू ज़ीरो, तो -6 और +1, तो X इक्वल्स टू +5 आ गया। किसी को फिर भी कहीं पर प्रॉब्लम हो तो ज़रा बताइए, मुझे बताइए, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या सबको इतनी बातें समझ में आ रही है? प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स, बताना बच्चों, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? बताओ बताओ बताओ, प्लीज़ राइट। किसी को इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। समीक्षा शर्मा को, सृष्टि को, आयुषी भारती को, शरद को, सबको समझ में आ रही है? तो ऐसे जितने भी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने को दिए हैं, है ना आदिति, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इनको कैलकुलेट करिएगा। मैं बढ़ता हूँ आगे, मैं बात करता हूँ कुछ और। तो देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ भी वो पूछ लेंगे। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने पहली इक्वेशन को उठा लिया, 4HCl, मैं पहली इक्वेशन को उठा रहा हूँ, 4HCl प्लस MnO2, और यहाँ से बन रहा है MnCl2, देखना MnCl2, ओके, और प्लस 2H2O और प्लस Cl2, ये बन रहा है।
अब जब ना आप ना सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे H का तो प्लस वन है, Cl का माइनस वन है, O का माइनस टू है, Mn का प्लस फोर है। ये कैलकुलेट करना सबको आता है, और अभी मैंने बताया भी Mn का प्लस टू है, Cl का माइनस वन, H का प्लस वन, O का माइनस टू और Cl2 का जीरो। तो देख लो बच्चों, यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ, माइनस वन से, माइनस वन से कहाँ जा रहा है, जीरो हो रहा है, माइनस वन से जीरो। माइनस वन से जीरो होने का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, और क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में तो इसका मतलब Cl का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, उन्होंने बोला कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है, तो HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछ रहे हैं। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हो, रिड्यूसिंग एजेंट। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन से पहुंच गया जीरो, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर इंक्रीज होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर में तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ऐसे ही आप Mn को देखिएगा, Mn का प्लस फोर है यहाँ पे, प्लस फोर, और वहाँ जाकर प्लस टू हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है ना बच्चों, उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यही उन्होंने पूछा था, यही वो हमसे पूछ रहे थे। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, HCl है या 4HCl है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, MnO2 है, या अगर इसके आगे कुछ लिखा होता तो वो भी है। नहीं, वो नहीं होता। जो भी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशेंट लिखा जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिखा हो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशेंट, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड। यहाँ पर 4 को मैंने कंसिडर नहीं किया, सिर्फ HCl लिखा, ऐसे ही MnO2 लिखा। ठीक है, इतनी बात। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वाला डी वाला एग्जाम्पल देख रहा हूँ, डी वाला एग्जाम्पल देख रहा हूँ, देखना बच्चों। डी वाला एग्जाम्पल क्या है, H2SO3। तो डी वाले में हमारे पास है H2SO3, H2SO3 से शुरू हो रहा है H2SO3, और प्लस करके लिखा है वहाँ पे 2H2S, 2H2S, ओके, और एरो के बाद है 3S प्लस 3H2, देखो। अब हमसे कहा गया कि ये बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, यही तो कह रहे हैं वो, है ना। तो देखो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना, O का माइनस टू, हाइड्रोजन का प्लस वन, माइनस सिक्स प्लस टू, कितना हो गया, प्लस फोर हो गया, और यहाँ पर सल्फर का कितना माइनस टू, H का कितना प्लस वन, यहाँ पर सल्फर का कितना जीरो, क्योंकि सल्फर के सिर पे कुछ नहीं लिखा है ना, वो न्यूट्रल है और अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है। हाइड्रोजन का प्लस वन हो गया और ऑक्सीजन का माइनस टू, देख रहे हो बच्चों, ये हो जाएगा। अब हमें बस ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, उससे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता चल जाएगा। तो देखिए, सल्फर का यहाँ पे प्लस टू है, प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे जीरो हो गया, प्लस टू से, प्लस फोर से जीरो हो गया, मतलब रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब इसको देखेंगे तो H2S में सल्फर का माइनस टू है और यहाँ कितना हो गया जीरो, दोबारा सल्फर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का माइनस टू से जीरो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, और जिसका इंक्रीज होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उस स्पीसीज को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बात सबको समझ में आई, मुझे बताइए किसी को अभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में कोई डाउट तो नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट निकालने में किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं है, है तो प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स, और अगर समझ में आया हो तो बोलो हाँ, समझ में आया हो तो बताइए चैट बॉक्स में कि हाँ मुझे समझ में आया है। प्लीज़ राइट येस, राइट येस इन द चैट बॉक्स इफ़ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन और द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, प्लीज़ राइट समवेयर। ओके, और लोग भी बताइए क्या समझ में आया, अभिजीत पवार को आया समझ में, नमन को भी आया, आकृति को भी आया, शरद को भी आ रहा है, ओके, सैम ब्रेमर को भी, ओके, आयुषी भारती को भी, मैं तो अच्छा हूँ क्रेजी गेमर, अपना बताओ, सृष्टि चौहान को भी समझ में आया, अदिति को भी आया, मार्क को भी आया। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये समझ में आया अगर सबको तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें क्या बताना है, रिडॉक्स रिएक्शन बतानी है, जरा बताना, मुझे बताइए इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन, ओहो इसमें तो
किसी ने देखा तो नहीं ना, बताना कि कौन सी है रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा क्रेजी गेमर, अच्छा लगा मुझे सुनकर, मुझे अच्छा लगा, उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही कर रहे हो, लेकिन यहाँ लाइव में आ गए मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है जग्गू भाई, अगर कुछ नहीं देखा तो बहुत बढ़िया किया। ये सब भूलें तो कौन सा होगा इसमें से, आंसर बताइए कौन सा आपको लगता है कि रिडॉक्स रिएक्शन है, इन चारों में से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। जो भी आज पहली बार आया होगा ना इस चैनल पे, मतलब आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा अगर नहीं करेंगे सब्सक्राइब तो। ओके, क्या बात, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा जग्गू की ईमानदारी को देखकर। सर वैसे मैंने आंसर नहीं देखा पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आंसर सी है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बाकी लोग भी बताओ, बाकी लोग भी बताओ ना बच्चों, बताओ ना, अगर नहीं बताओगे तो यहीं पे नींद आ जाएगी मुझे। अगर आप लोग बताएंगे तभी तो मेरे को भी आनंद आएगा, वरना मुझे तो नींद आ जाएगी। बताओ ना ए बी सी डी कौन सा लग रहा है आपको कि इसमें जिसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या बात, क्रेजी गेमर, क्रेजी गेमर सही खेल गया भाई, क्रेजी गेमर का आंसर है डी। ओके, तो देखना देखना बच्चों डी क्यों हुआ, समझो डी क्यों हुआ है, समझिए सब लोग समझिए। मैंने लिखा 2CuSO4 प्लस 4KI, ओके एरो के बाद क्या बना है, Cu2I2 बना है एरो के बाद, और प्लस करके है 2K2SO4। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात, हाँ मैं आंखों से नींद चुरा लेता हूँ और हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं, मैं ही हूँ वो, हाँ मैं वही हूँ। क्या बात, क्रेजी क्रेजी गेमर, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो देखना इस इक्वेशन में देखिएगा कि यहाँ पर Cu+2 है, Cu+2 है ऑक्सीडेशन नंबर, S का 6 है, O का -2 है, यहाँ पे K का +1 है, I का -1 है। इसका मतलब क्रेजी गेमर कोई खास व्यक्ति है, मेरा बड़ा खास व्यक्ति है कोई ये। अच्छा, K का +1, सल्फर का +6, O का -2 और I का 0। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, रिडॉक्स बोला है तो रिडक्शन भी होना है और ऑक्सीडेशन भी होना है। जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है ऑक्सीडेशन भी होता है उसी को तो रिडक्शन रिएक्शन बोलते हो ना। तो यहाँ देखना Cu का +2 से +1 हो रहा है, मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है बच्चों यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस वन से कितना हो रहा है, जीरो, माइनस वन से जीरो। तो जब भी माइनस वन से जीरो होता है ना तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, और इसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो उसी को तो बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। किसी को नहीं मालूम चला हो तो प्लीज़ बताइए, किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत हो, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो पूछ लो, प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स, क्या इतना समझ में आया, राइट इन द चैट बॉक्स। बताओ ना बच्चों क्या इतना समझ में आया, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, जरा बताइए। ओके, नमन को आकृति को तो समझ में आया, अभिजीत को भी आया, समीक्षा को और शरद को भी समझ में आया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगर इतने लोगों को समझ में आया है तो। अब देखो इक्वेशंस को बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बच्चों इसको बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम है। मैं आपको एक बात समझा दूं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दो अलग अलग मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दो अलग अलग मेथड है, लेकिन दोनों ही मेथड में एसिडिक मीडियम हो सकता है, बेसिक मीडियम हो सकता है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। मैं फिर से दोहराता हूँ, एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक है दूसरा मेथड जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन में भी एसिडिक मीडियम लिखा हो सकता है एग्जाम में और बेसिक भी हो सकता है,
ऐसी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी लिखा जा सकता है, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों में लिखा जा सकता है। तो मैं कोई भी एक इक्वेशन उठा लेता हूँ, ये मुझे थोड़ी आसान लग रही है, मैं इससे शुरू करता हूँ। आसान से शुरू करेंगे ना, आसान से, आसान से जाएंगे मुश्किल की ओर। तो देखिए कि इससे ही शुरू कर देते हैं, इससे शुरू कर रहा हूँ। MnO4 नेगेटिव, देखना MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, मैंने लिखा MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस, मैंने लिखा Fe2 पॉजिटिव। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है बच्चों, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एरो के बाद बन रहा है Mn2 पॉजिटिव, एरो के बाद बनेगा Mn2 पॉजिटिव और प्लस बन रहा है Fe3 पॉजिटिव। ओके, एरो के बाद बन रहा है Fe3 पॉजिटिव। अब देखना और समझना जरा ठीक से समझिएगा। सबसे पहला टास्क हमारा क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल क्रेजी, आप खास ही होंगे तभी आपने वो बातें बताई जो मेरे लिए खास हैं। प्लस 7 है और यहाँ पे प्लस 2 है देखो, और यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव है, वहाँ पे Fe3 पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, Mn का प्लस 7 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे प्लस 2 है, और प्लस 7 से प्लस 2 होने का मतलब रिडक्शन है, क्योंकि कम हो रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस वाले मेथड में क्या करते हैं, इस वाले मेथड में आयन इलेक्ट्रॉन में पहले दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ हाफ रिएक्शन, मैंने लिखा हाफ रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन लिखा बच्चों मैंने, हाफ रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन। हर बार यही करेंगे, दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर देंगे, दो हाफ रिएक्शन होगी ना, एक ऑक्सीडेशन वाली होगी और दूसरी कौन सी होगी, दूसरी होगी रिडक्शन वाली। ठीक है, दोनों को हम सेपरेट कर देंगे। ठीक, अरे वाह आश्रय बिष्ट। अब देखिए इसके बाद देखना, हमने लिखा, हमें कौन सा देखना है, पहले ऑक्सीडेशन, तो Fe2 पॉजिटिव लिखा और एरो के बाद लिख रहा हूँ Fe3 पॉजिटिव, एरो के बाद मैंने लिखा Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव। अबे गाना तो मैं सुना दूँ, गाना तो मैं सुना दूंगा, लेकिन पता है उसके बाद एग्ज़ाम में क्या होगा कि पेपर होगा सामने, पेपर आएगा क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर को देखोगे, क्वेश्चन पेपर तुम्हें देखेगा, तुम क्वेश्चन पेपर को देखोगे और फिर पता ही क्या कहोगे, फिर उसको देख के क्वेश्चन पेपर ही कह देगा, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, यही होगा फिर वहाँ पे। तो ऐसा ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको देख लो, देखो Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बन रहा है, तो देखना इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, उस एटम को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, सबसे पहले उसको जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो वो कौन है यहाँ पे, वो Fe है, वो कौन है Fe, तो सबसे पहले उसको जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जैसा कि हमने देख लिया वो Fe है, दोनों तरफ सेम है। अब मैंने लिखा Fe2 पॉजिटिव, एरो के बाद लिखा Fe3 पॉजिटिव। अब उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं, अगर हैं तो, अगर हैं पर यहाँ तो नहीं है, अगर नहीं है तो आखिरी में हम बैलेंस करेंगे चार्ज को। तो यहाँ पे कितना चार्ज है, प्लस 2, और यहाँ कितना है, प्लस 3, वहाँ प्लस 2 वहाँ प्लस 3, तो हमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे इस मीडियम में, मतलब इस मेथड में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे। किस तरफ, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में उधर ऐड करने होंगे और रिडक्शन वाले में जब रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होगा तो इधर ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन में उधर ऐड करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस वेयर देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। चलिए ये भी मैंने लिख दिया, इक्वेशन बैलेंस है क्या, बिल्कुल बैलेंस है, इसे इक्वेशन नंबर वन कह रहा हूँ। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद देखिएगा, एक और इक्वेशन थी ना उसमें, एक और इक्वेशन कौन सी थी, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव, ठीक है, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव थी, तो मैंने लिखा MnO4 नेगेटिव। अच्छा मुझे ये भी लिखना था, मुझे ये भी तो बताना था कि हाफ रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाफ रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन ये लिख दिया मैंने,
हाफ रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन, पहले देखो हाफ रिएक्शन फॉर रिडक्शन लिखा था ना, पहले मैंने लिखा था हाफ रिएक्शन फॉर रिडक्शन, अभी लिख दिया हाफ रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए हाफ रिएक्शन जो अभी अभी हमने देखी वो है MnO4 नेगेटिव, और उससे क्या बन रहा है, Mn2 पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, ओके, Mn2 पॉजिटिव। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, पर वो तो पहले से ही बैलेंस है ना, वो तो उस तरफ भी वन एटम है और यहाँ भी वन एटम है, तो उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत आ जाएगी, हो सकता है मैं बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं बहुत तेज़ी से जा रहा हूँगा, ऐसा नहीं करता मैं सामान्यतः, सब लोग समझते हैं स्कूल में जब भी आपने मुझसे पढ़ा होगा मैं धीरे धीरे बात करता हूँ, धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे तेज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कम समय में ज़्यादा सिलेबस रिवाइज करवाना है, ऐसे ही तो होगा ना बच्चों। अच्छा चलो देखो, तो देखिए इसके बाद मुझे MnO4 नेगेटिव ने, मैंने लिखा MnO4 नेगेटिव और एरो के बाद लिखा Mn2 पॉजिटिव, ये लिख दिया। अब यहाँ किसको बैलेंस करूँगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्या, हाँ बच्चों इसका मतलब आप जाग रहे हो, इसका मतलब तो आप तो जाग रहे हो, और मैंने पहले क्या लिखा था, पहले भी ऑक्सीडेशन ही लिखा था, दोबारा ऑक्सीडेशन लिख दिया, तो आकृति ने तो इस बात का सबूत दिया है, और मैं तो कहता हूँ कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और जो ज़िंदा हो ना, और जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है, तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है आकृति, मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि आपने देखा, बाकी कई लोगों ने तो पता नहीं देखा कि नहीं देखा, या वो मेरी भावनाओं को समझ गए, ये भी हो सकता है कि मेरी भावनाओं को ही समझ गए, ओके। चलिए देखिए, अब इसके बाद देखना क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए कौन सा मीडियम है ये चेक करेंगे, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या चेक करेंगे कि मीडियम कौन सा है, ठीक है बच्चों, मीडियम कौन सा है, तो मीडियम पहले ही बताया था बेसिक मीडियम है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 है, वहाँ कितने ऑक्सीजन है, 0। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में वाटर ऐड करते हैं, वाटर, सुना सबने, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें हमेशा वाटर ऐड करना पड़ता है, किस तरफ, उस तरफ जहाँ पहले से ऑक्सीजन ज़्यादा है, जहाँ पहले से ही एक्सेस में है, और कितने ऐड करेंगे, उतने ही ऐड करेंगे जितने ऑक्सीजन एटम पहले से ज़्यादा हैं, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, ऑल आई एम आस्किंग यू टू ऐड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सेम साइड वेयर देयर इज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एटम, सेम नंबर, जितना जितने ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है ना, बस उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, उसी तरफ ऐड कर देंगे, और दूसरी तरफ डबल, 4 का डबल कितना होता है, 8, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए तो वहाँ क्या करेंगे, 8, और इसमें लिख देंगे OH नेगेटिव आए। ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या है प्रोसीजर क्या है कि हमें ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं, और कहाँ ऐड करने, उस तरफ जहाँ ऑक्सीजन एटम पहले से ज़्यादा है वहाँ ऐड करने, कितने ऐड करने, उतने ही जितने कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, और दूसरी तरफ डबल, 4 का डबल 8 हो गया, OH नेगेटिव आयन ऐड करने, फिर देखेंगे कि ऑक्सीजन एटम बैलेंस है या नहीं, 4 और 4 8 ऑक्सीजन एटम, और वहाँ कितने, 8 ऑक्सीजन एटम है ना ऐसा, और हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 4 2 8, और वहाँ कितने हैं, वहाँ भी 8 है, तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन है ना। लेकिन अगर चार्ज देखूँ तो यहाँ -8 है टोटल, -8, और इस पर +2, तो -8 और +2 -8, तो यहाँ तो -6 हो गया, और यहाँ टोटल कितना है, -1, वहाँ -6 हो गया, यहाँ तो -6 है और यहाँ -1 है, तो अभी बैलेंस नहीं हुआ ना पूरा, चार्ज बैलेंस नहीं हुआ, और मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, पहले ही तो कहा था कि चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, चार्ज बैलेंस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को करेंगे ऐड, लेकिन ये भी देखेंगे, ये भी देखना है बच्चों कि कौन है, ये रिडक्शन का प्रोसेस है या ऑक्सीडेशन का। अब क्योंकि रिडक्शन का प्रोसेस है तो इलेक्ट्रॉन तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करूँगा,
लेफ्ट हैंड साइड पे ही करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ही तो इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा। अब कितने ऐड करूँ, वहाँ कितना, नहीं कोई बात नहीं क्रेजी गेमर, कोई बात नहीं, मुझे इसी बहाने पिछली यादें आ गई। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात, यहाँ पे माइनस एट और प्लस टू माइनस सिक्स हो गया, और यहाँ कितना है माइनस वन, है ना, तो वहाँ माइनस सिक्स, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मिस्टर यथार्थ, ये बिल्कुल सही है, पांच इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना, तो इस तरीके से यहाँ माइनस वन या माइनस फाइव, माइनस सिक्स हो जाएगा, और वहाँ तो माइनस सिक्स है ही चार्ज, तो अब ये चार्ज भी बैलेंस्ड है, अभी यहाँ पे चार्ज भी बैलेंस्ड है, इसे इक्वेशन नंबर टू कह रहा हूँ, इसे बच्चों इक्वेशन नंबर टू कह रहा हूँ, और वो इक्वेशन नंबर वन कह ही चुका था मैं। अब क्या करेंगे ज़रा देखो, इक्वेशन वन में जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है, देखना बच्चों जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है वो कितने हैं, वो एक है इक्वेशन वन में, और इक्वेशन टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड कितने हैं, फाइव। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन इक्वल नहीं है, जबकि इक्वल होने चाहिए, अगर मैंने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो किसी ने फोर कैसे हैं, अगर मैंने वन इलेक्ट्रॉन लूज किए, वन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय मी, हाउ कैन समबडी गेन फाइव इलेक्ट्रॉन्स, नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट ना इक्वल होने चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, देखो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन वन इज मल्टीप्लाइड बाय फाइव, ठीक है, इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई किया, फाइव, इक्वेशन वन थी क्या, वो थी फाइव एफ ई टू पॉजिटिव गिव्स टू फाइव एफ ई थ्री पॉजिटिव, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन था तो फाइव इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कि कोई अपनी क्लास की पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा दूसरी क्लास में कमेंट करता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, देर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा अब देखना, ये इक्वेशन नंबर थ्री है, अब इक्वेशन नंबर ना जो इक्वेशन टू है उसको मल्टीप्लाई किया मैंने, उसे मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई करूं, इसे तो किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो फाइव है, इसमें फाइव इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए और इसमें फाइव इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। अब देखना इन दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री, इनको ऐड कर दिया, इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, तो देखना बच्चे, दोनों इक्वेशन को ऐड किया है तो क्या आएगा, MnO4 नेगेटिव आया, प्लस 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 5Fe2 पॉजिटिव आ गया, 5Fe2 पॉजिटिव, और यहाँ 4H2O है तो 4H2O भी लिख दिया मैंने, 4H2O, ओके, और 5 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ लिखा हुआ है उधर से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, और एरो के बाद क्या आया, Mn2 पॉजिटिव आया बच्चों, Mn2 पॉजिटिव, प्लस 5 Fe और Fe कैरिंग 3 पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों हो गए, और प्लस मैंने लिख दिया 8OH नेगेटिव। मुझे बताइए कि क्या इतनी बात सबको समझ में आई। क्या इतनी बात समझ में आई सबको, प्लीज़ बताइए चैट बॉक्स में, अगर समझ आई है तो बोलो हाँ, यस सर, ओके, साक्षी गॉट दिस, और लोग भी बताइए क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्रेजी गेमर को तो समझ में आ गई, सृष्टि को भी आ गई, आयुषी भारती को भी आ गई, साक्षी कंसवाल को भी समझ में आई गई थी, आकृति शिवहरे को भी समझ में आ गई है, अनुज को भी समझ में आ गई, ये हुई ना बात, अदिति अग्रवाल को भी समझ में आ गई, हाँ, और जग्गू को भी समझ में आ गई, शरद को भी। अरे नया फ़ोन नहीं है रे, ये नया फ़ोन नहीं है, ये ना उसमें सिर्फ कवर लगाया हुआ, कवर नया है, फ़ोन तो वही पुराना वाला है, गरीब आदमी वही पुराना वाला फ़ोन। अच्छा आगे देखना, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे, देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन देखें, कौन सा, वो जो भी इक्वेशंस थी ना उन्हीं में से कोई उठा लेते हैं, मैं आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है बच्चों, मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नंबर वन पे कौन सी बुक है हमारी,
सबसे पहले आपको कौन सी बुक करनी है, वो बुक करनी है एनसीईआरटी। और जब एनसीईआरटी हो जाएगी ना, तो उसके बाद जो बुक मन करे वो कर लेना, पर फर्स्ट सबसे पहले एनसीईआरटी। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन दे रहा हूँ, होल्ड डाउन। अरे यार तो जो क्वेश्चन मेरे सामने है वो है, सभी लोग करिएगा, Cr2O7 टू नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स टू Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। ये इक्वेशन जरा सब लोग बैलेंस करना, जरा सब लोग ये इक्वेशन बैलेंस करिए। कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है बच्चों? एसिडिक मीडियम। जरा करके बताइए, देखिए किसकी कितनी प्रैक्टिस हो गई। ये एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में Cr3 पॉजिटिव एंड ट्रीटेड विद Fe2 पॉजिटिव, इट गिव्स Cr3 पॉजिटिव आयंस अलॉन्ग विद Fe3 पॉजिटिव आयंस। जरा करिए बच्चों, बताइए कि क्या इसका आंसर आ रहा है, करना और बताना। अच्छा, आप लोग भी करते रहो, मैं भी करता रहता हूँ, दोनों साथ साथ करेंगे, ठीक है? मैं भी करता हूँ, हम लोग सब साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सीआर का कितना हो जाएगा? -2 मतलब -14 और +2 14 2 कितना हो जाएगा? 12। तो +6 आ जाएगा, ये +6। ओ का -2 है, एफ का +2 दिख ही रहा है, सीआर का +3 दिख रहा है, एफ का +3 दिख रहा है। तो मुझे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है, तो पहले इक्वेशन को अलग अलग कर देता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ हाफ रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन। देखो, हाफ रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन, और इसमें मैंने लिखा, इसमें मैंने लिख दिया Fe, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव। अब मैं एक ही लाइन में बैलेंस करूंगा बच्चों, अब मैं एक ही लाइन में बैलेंस कर रहा हूं, ठीक है? एक ही लाइन में बैलेंस कर रहा हूं। नंबर ऑफ एटम्स तो दोनों तरफ सेम ही है, Fe भी 1 है, लेकिन यहां पर चार्ज बैलेंस नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में हमेशा इलेक्ट्रॉन यहीं ऐड करते हैं। कितने ऐड करेंगे? मेरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल जो चार्ज है वो +2 है, और राइट हैंड साइड पे टोटल कितना है? +3 है, +3 और -1, +3 -1 हो गया ना +2। तो ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाफ रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन। नाउ लेट्स मूव टू रिडक्शन। रिडक्शन वाले के लिए चलते हैं, रिडक्शन वाले में देखना बच्चों, रिडक्शन वाले में हमारे पास Cr2O7 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, Cr2O7 कैरिंग 2 नेगेटिव, और एरो Cr3 पॉजिटिव। एक ही लाइन में कर लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Cr3 पॉजिटिव। घबराओगे तो नहीं? इसको दो लाइन में कर लेता हूँ, कहीं घबरा गए तो? अगर घबरा गए तो क्या होगा? तो देखना, इसको दो लाइन में कर रहा हूँ। तो सबसे पहले किस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं? उस एलिमेंट को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है। तो वो किसका चेंज हो रहा है? सीआर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पे सीआर के कितने एटम है? 2, वहाँ कितने? 1। तो इसका मतलब सीआर बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करिएगा? सबसे पहले उसी को बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो पहला स्टेप देखना, सबसे पहला स्टेप मैंने लिखा Cr2O7 के ऊपर 2 नेगेटिव, एरो के बाद लिखा मैंने Cr3 पॉजिटिव, और कितने Cr यहाँ पे? कितने Cr है? 2। तो यहाँ भी 2 लिख दूंगा, यहाँ पर भी 2 लिख दूंगा, ओके? हाँ, ये सब मेरा परिवार है, हम सब एक ही परिवार है। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना बच्चों, क्रेजी गेमर में जहाँ भी जाता हूँ, जो भी लोग मेरे साथ एसोसिएटेड होते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये मेरा परिवार है, ये कैमरा सेकेंडरी भी मेरा परिवार है, और मैं मेरे परिवार के कारण आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब मैं आज यहाँ पे हूँ ना, तो क्रेजी गेमर यू आर रिस्पॉन्सिबल, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग, और इसीलिए आज वो जो दीपक जोशी सर थे ना, वो डीजे सर बन गए। तो ये जो ट्रांजिशन है ना, ये यूँ ही नहीं हुआ, इसमें वक्त लगा, और आप जैसे लोग ही सब लोग मिलकर इसको बनाते हैं। बाकी मैं तो देखो काम बहुत समय से ही करता जा रहा हूँ। अच्छा, देखना इसके बाद देखिएगा, 2 Cr दोनों तरफ हो गए, तो Cr2O7 2 नेगेटिव मैंने लिखा, एरो के बाद 2 Cr3 पॉजिटिव तो मैं लिख ही चुका था। अब देखिए कि
ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं है, है ना, ऑक्सीजन एटम दोनों तरफ बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम, 7, और उस तरफ कितने नहीं है बैलेंस, वहाँ पे है ही नहीं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, वाटर। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं, लेकिन किस तरफ ऐड करते हैं, किस तरफ, ये कौन डिसाइड करेगा, ये मीडियम डिसाइड करेगा, बेसिक मीडियम है या एसिडिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम होगा जैसा कि पहले था, तब क्या करते हैं, तब उस तरफ ऐड करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स जिस तरफ ऑक्सीजन एटम पहले से ही ज़्यादा हैं, मतलब पहले से ही एक्सेस में है। कितने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, उतने ही जितने की ऑक्सीजन एटम एक्सेस में है। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, एसिडिक मीडियम में ऐसा नहीं होता, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ऐड तो वाटर ही करते हैं, पर उस तरफ करते हैं जहाँ ऑक्सीजन एटम कम है। कहाँ कम है, यहाँ। कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करूँगा, जितने ऑक्सीजन एटम की कमी है वहाँ पे, यहाँ पे 7 है ऑक्सीजन एटम, वहाँ पे एक भी नहीं था, तो वहाँ 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, ये बात समझ में आई होगी। अब आगे देखना, इसके बाद देखिए, देखो बच्चों, आगे देखो, ये लिखा मैंने लिखा 2Cr3 पॉजिटिव, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस लिखा 7H2O। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद क्या करना है, वहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 7, और यहाँ कितने हैं, 7, है ना। तो अब वहाँ पे क्या बैलेंस नहीं है, हाइड्रो आ गई वॉइस, आ गई क्या वॉइस, रुको जरा सब्र करो, बिल्कुल, अब ये बताइए क्या वॉइस आ गई, ओके, ठीक है बच्चों, बस ऐसे ही आपको एक्टिव रहना है, बस ऐसे ही एक्टिव रहना है। कहीं पे मैं कुछ गलत लिख दूँ तो बताना है, कहीं पे कुछ जैसे भी प्रॉब्लम हो गई थी तो बताना है, ठीक है। तो अब मैंने ये कहा कि जब भी मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, H पॉजिटिव ऐड करते हैं, वो भी किस तरफ ऐड करते हैं, उस तरफ जहां हाइड्रोजन एटम कम है। हाइड्रोजन बैलेंस के लिए क्या ऐड करेंगे, H पॉजिटिव, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। कहां ऐड करेंगे, जहां हाइड्रोजन कम है, कितने ऐड करेंगे, उतने ही जितने कम हैं, ठीक है। तो वहां 14 हाइड्रोजन है और यहाँ कितने हाइड्रोजन एटम है, एक भी नहीं, तो 14 ऐड कर दिए यहाँ पे H पॉजिटिव। अभी सब कुछ बैलेंस है, एवरीथिंग इज बैलेंस एक्सेप्ट वन, व्हाट इज दैट, दैट इज चार्ज, चार्ज बैलेंस नहीं है। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, देखो -2 + 14, है ना, -2 + 14 मतलब कितना हो गया, +12, ओके। और जबकि उस तरफ देखना, +6, वहाँ कितना है बच्चों, +6, और यहाँ कितना है टोटल, +14 - 2 + 12, वहाँ कितना है, +6। और मैंने जैसा कि कहा था, ये प्रोसेस कौन सा है, रिडक्शन वाला, और रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ, मतलब इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड करते हैं, क्योंकि रिडक्शन इज़ ए प्रोसेस वेयर देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया Cr2O7 टू नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ ऐड करने हैं, ओके, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। और अब देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ, तो अभी मैंने कहा था वहाँ 6 है और यहाँ +12 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने, 6 इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करने, 6 और 2 8 हो गया माइनस का, और +14 हो गया,
तो 14 - 8 6 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है ना, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तो मेरे पास दो इक्वेशन हैं, दोनों बैलेंस्ड हैं अलग अलग। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और जो पहली वाली इक्वेशन थी ऑक्सीडेशन वाली उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन था। तो इसका मतलब उस वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, उस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से। ठीक है बच्चों, उस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से। तो मैंने लिखा इक्वेशन 1 × 6 और जैसे ही मैंने ऐसा किया तो वो बन गई 6Fe2+ गिव्स टू 6Fe3+ और प्लस करके 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ये हो जाएगी 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो जब आप इसको ऐड करेंगे ना बच्चों तो हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए मैंने लिखा Cr2O7 2 नेगेटिव और प्लस करके मैंने लिखा 14H+ ओके, और फिर मैं लिख रहा हूँ 6Fe2+ 6Fe2+ ये भी लिख दिया। अब एरो के बाद क्या लिखेंगे, तो एरो के बाद लिखेंगे 2Cr3+ प्लस करके लिखना है 6Fe3+ और वहाँ 7H2O है और तो कहीं है नहीं 7H2, तो 7H2। क्या मार्क ने भी यही इक्वेशन लिखी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H+ प्लस 6Fe2+ गिव्स टू 2Cr3+ और 6Fe3+। क्या बात है, बहुत बढ़िया मिस्टर मार्क, मार्क ने बहुत बढ़िया किया, बिल्कुल सही। तो अब ये इक्वेशन, किसी को थोड़ी भी दिक्कत हो इसमें तो बताइए, किसी को इस क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो बच्चों बताओ, और अगर समझ में आ गया तो क्या बोलना है आपको बताएं, अगर समझ में आ गया तो बताइए कि समझ में आ गया। इफ यू गॉट दिस पॉइंट प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्लियर, क्रेजी है मेरे को तो क्लियर हो गई। ओके, और लोग भी बताइए, शिवम कुकरेती को भी क्लियर हो गई। अच्छा, आकृति को क्लियर हो गई, क्रेजी को तो एक साल पहले ही क्लियर हो गई थी। ओके बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये मेरा सिंसियर स्टूडेंट है तभी स्कोर। श्रेया चमोली को भी क्लियर हो गई, ठीक है। आदिति शर्मा को भी क्लियर, ठीक है बच्चों। अगर ये क्लियर हो गई है तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए इक्वेशन देख रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी का इक्वेशन ले रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन है एनसीईआरटी का देखना। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एनसीईआरटी का कोई एक क्वेश्चन हम ले लेंगे, कोई भी, चलो यही ले लेते हैं। MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, देखो ये दिया है एनसीईआरटी ने क्वेश्चन, MnO4 1 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, प्लस I नेगेटिव गिव्स टू Mn2+ प्लस I, सॉरी MnO2 प्लस I2। अच्छा मीडियम कौन सा है इसमें, तो मीडियम है एसिडिक, मीडियम कौन सा है एसिडिक, देखो कंठस्थ। ओके एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम, ठीक है बच्चे। मीडियम कौन सा है, एसिडिक है, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव और एरो के बाद है MnO2 प्लस I2। अब देखिए Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना कैलकुलेट करेंगे करेंगे तो 7 आ जाएगा है ना। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इट कम्स आउट टू बी 7, ये 7 हो जाएगा 7, ये आ रहा है 7। अरे दोनों से सेम, ऐसा कैसे जादू हो गया, ये जादू कहाँ से हो रहा है, जादू कहाँ से हो रहा है भाई। ओके देखें जरा प्लस 7 क्यों नहीं आ रहा है, हाँ अब आया ना प्लस 7, यहाँ माइनस और यहाँ है प्लस 4, प्लस 4। अब मेरी बात ठीक से सुनना, अब मेरी बात ठीक से सुनिएगा, I का कितना है यहाँ पे 0। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करते हैं, आई नेगेटिव से आई टू में गए, ठीक है, आई नेगेटिव से आई टू में,
तो पहले से I2 है, वो पहले से I2 है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई पहले ही कर दूंगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई पहले ही, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया माइनस टू, वहाँ कितना है जीरो, माइनस टू से कितना हो गया जीरो, तो माइनस टू से जीरो का मतलब है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या ये लिख दूँ कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है बच्चों, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है माइनस टू से जीरो, तो इसका मतलब जीरो माइनस माइनस टू, तो टू का है, टू का, टू यूनिट का, और अगर मैं डिक्रीज देखता हूँ, देखिएगा अगर मैं डिक्रीज देखूँगा तो डिक्रीज कहाँ से हो रहा है, सेवन से, सेवन से कितना फोर, तो डिक्रीज कितने का है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वो है सेवन माइनस फोर थ्री का, थ्री यूनिट का, थ्री यूनिट का हो जाएगा, तो इंक्रीज कितने का है, तो इंक्रीज तो है टू यूनिट का, और डिक्रीज कितने का हो रहा है, तो वो हो रहा है थ्री यूनिट का, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला टास्क क्या होगा हमारा, सबसे पहला टास्क ये होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कि हम हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर पाएँ, और जब हम ये कर देंगे ना, जब हम हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर देंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है कि हम देखेंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल कैसे करें। तो इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ देखना, टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टू इक्वेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, टू इक्वेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको टू से मल्टीप्लाई करना है, इसको किससे, टू से, और टू से मतलब इसको टू से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसी में तो हुआ जो चेंज हुआ, तो टू से MnO4 इज मल्टीप्लाइड बाय टू, MnO4 नेगेटिव इज मल्टीप्लाइड बाय टू, देख रहे हो MnO4 नेगेटिव इज मल्टीप्लाइड बाय टू, एंड इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, थ्री से, एंड I नेगेटिव इज मल्टीप्लाइड बाय किससे करेंगे, थ्री से, देख लो थ्री से मल्टीप्लाई करना है, टू से मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, MnO4 नेगेटिव को, किसको मल्टीप्लाई करना है, आई नेगेटिव को, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, और इतनी सी बात अगर आपको ध्यान में रहती है, तो मैंने किस में मल्टीप्लाई किया, टू से ऑक्सीडेशन, MnO4 नेगेटिव को टू से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या, टू MnO4 लिख दूँ, तो मैं लिख रहा हूँ टू MnO4 नेगेटिव, तो लो मैंने लिख दिया टू MnO4 नेगेटिव, ये लिख दिया टू MnO4 नेगेटिव, और थ्री से मल्टीप्लाई किसको करना था, आई नेगेटिव को, वो पहले से टू आई नेगेटिव है, थ्री से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, सिक्स आई नेगेटिव बन गया, और एरो के बाद क्या आया, यहाँ था MnO2 है ना बच्चों, यहाँ MnO2 था, और यहाँ क्या था, I2 था, देख लो ये ठीक हो गई इतनी बात, इतना मैंने कर दिया। मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से समझाता हूँ मैंने क्या किया, मैंने इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को पहले कैलकुलेट किया, टू इक्वेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमें मल्टीप्लाई करना होगा अगर वो सेम नहीं है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का, वो कहता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल, तो अगर वो इक्वल नहीं है तो आप इक्वल करिएगा, उसको करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, अभी आपने देखा कि जिसका इंक्रीज हो रहा था जिसका डिक्रीज हो रहा था उनमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह जिस तरह पिछली बार या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में किया करते थे। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं इसमें, अब सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पर कितने एम एन है, टू, और वहाँ कितने एम एन है, वन, वहाँ तो वन है तो बैलेंस तो नहीं है, तो सबसे पहले उसी को बैलेंस करूँगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों चेंज हो रहा है, सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो वो कौन है, एम एन, वो कौन है, एम एन,
तो लो एम एन को बैलेंस कर दिया, यहाँ भी टू यहाँ भी टू। अब आई को बैलेंस करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी तो चेंज हो रहा है, उसका भी तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो लो यहाँ सिक्स आई था तो वहाँ थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए समझे इस बात को, अब क्या बैलेंस नहीं दिख रहा है आपको, क्या ऐसा है जो बैलेंस नहीं है? तो ऑक्सीजन देखो 248 और यहाँ 224, यहाँ 4 ऑक्सीजन यहाँ 8 ऑक्सीजन। मीडियम कौन सा है? एसिडिक। और आपसे कहा गया था कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, पर ऐड किस तरफ करते हैं? उस तरफ ऐड करते हैं जहाँ पहले ऑक्सीजन की कमी है, मतलब जहाँ भी जिस भी साइड ऑक्सीजन की एटम की कमी है वहीं वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करोगे। तो मुझे दिख रहा है यहाँ तो 8 मॉलिक्यूल्स है लेफ्ट हैंड साइड, पर राइट हैंड साइड में सिर्फ 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहाँ ऐड करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। ओके, तो मैंने लिखा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव। ओके, और वहाँ यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2MnO2 प्लस करके मैं लिख रहा हूँ 3I2। और मैंने कहा कि यहाँ पर 8 है ऑक्सीजन के एटम, वहाँ कितने हैं 4, तो वहाँ ऐड करूँगा वाटर के मॉलिक्यूल्स टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। और कितने ऐड कर दिए मैंने? 4। और जैसे ही मैंने ऐसा किया तो ऑक्सीजन एटम्स वहाँ 2, 2, 4 और 4, 8 हो गए, और इधर तो 8 हैं ही, है ना, यहाँ तो पहले से थे। अब क्या बैलेंस नहीं है? अगर आप ठीक से देखेंगे तो क्या चीज़ ऐसी है जो बैलेंस नहीं है? तो हाइड्रोजन, वहाँ 8 हाइड्रोजन है, वहाँ 8 हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ कितने हाइड्रोजन एटम है? तो यहाँ हाइड्रोजन एटम है ही नहीं। और जब भी आपको हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने हो, मीडियम एसिडिक हो, तो हमेशा एच पॉजिटिव ऐड करेंगे। ऐड किस तरफ करेंगे? उस तरफ जहाँ हाइड्रोजन एटम की कमी है, जहाँ डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी तो लेफ्ट हैंड साइड में है, डेफिशिएंसी तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ क्या ऐड किया? एच पॉजिटिव। कितने एच पॉजिटिव? जितने की कमी है, वहाँ 8 थे तो यहाँ 8 लिख दिया, और उसके बाद 2MnO2 है ना, 2MnO2 लिखा प्लस 3I2 लिखा, 3I2 और प्लस करके लिख दिया 4H2। देख रहे हो सब, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अगर आपने इतना देख लिया होगा तो आप समझ गए होंगे हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम अभी सब हर कोई बैलेंस्ड है, लेकिन क्या चार्ज बैलेंस्ड है? पर चार्ज तो चेक किया ही नहीं, चार्ज तो हमने चेक ही नहीं किया, तो अभी चार्ज चेक करते हैं। यहाँ टोटल चार्ज कितना है? 0। टोटल राइट हैंड साइड में तो 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पे -2, यहाँ पे -6 और यहाँ पे +8, +8 -6 और -2, तो ये भी हो गया 0। तो सबसे अच्छी बात जो है इस मेथड में, सबसे बढ़िया बात जो है, हमें इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस मतलब चार्ज बैलेंस नहीं करना। नो नीड टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडेड, क्योंकि 400 बैलेंस ही नहीं करना ना, 400 ऑटोमेटिकली बैलेंस हो ही जाएगा। अब मुझे ये बताइए, क्या सबको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वापस से रिमाइंड हो गया? क्योंकि पढ़ा तो देखो सबने है ना, लेकिन क्या आप लोगों को याद आ गया? क्या सब लोगों को इस समझ में आ गया? ओके, बताइए बच्चों, क्या सब लोगों को इस समझ में आया? रिमोट ये कैमरे का है, क्रेजी गेमर, ये कैमरे का रिमोट है। साक्षी कंसवाल को समझ में आया है, आकृति शिवहरे को भी समझ में आया, ओजस्वी भट्ट को भी समझ में आया। ओके, बाकी लोग भी बताइए, प्लीज़ बताइए, क्या जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप तक पहुँच रही है ठीक से? क्योंकि पहुँच रही है तभी मेरी मेहनत करने का कुछ मतलब है, वरना क्या है ना, सब बेकार हो जाएगा। और लोग भी बताओ ना, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? क्रेजी बॉय को तो समझ में आ गया। ओके, ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना, देखिएगा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके लिए, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन देता हूँ आपको एनसीईआरटी का, ताकि आपको अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं अभी आपका, लेकिन बस कर लेना क्वेश्चन को, कर लेना भाई, कहीं